नमस्कार। आज सुबह सुबह मेरे पास व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया जिसमें एक किसी प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न का इमेज कटा हुआ था, प्रश्न पत्र पेपर से। उस पे लिखा हुआ था प्रश्न कि पुनर्मिलन शीर्षक मूर्ति शिल्प धनराज भगत के द्वारा जो बनाया गया किस माध्यम में बना है। और मैंने इस प्रश्न का अंग्रेजी में भी पढ़ा तो अंग्रेजी में भी लिखा हुआ था इन विच मीडिया पुनर्मिलन स्कल्पचर ऑफ धनराज भगत वाज मेड। अब आप ये बताएं कि जब अंग्रेजी में भी प्रश्न पत्र में हिंदी के वर्ड को लिखा जाएगा, पुनर्मिलन को पुनर्मिलन, तो बच्चे तो कंफ्यूज करेंगे ही, वहीं बहुत सारी त्रुटियां भी सामने आती हैं। तो आइए आज इस पुनर्मिलन प्रश्न जो स्कल्पचर है इसके विषय में बात करते हैं। पुनर्मिलन स्कल्पचर धनराज भगत का है, ये तो आप लोगों ने अभी बातचीत के क्रम में जान ही लिया होगा। तो धनराज भगत के जो लाहौर स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स 1942 से 45 के साथ जब उनका जुड़ाव था, ये उस दौरान का बनाया गया शिल्प है जब भगत ने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में से शिल्प निर्माण की जो एक प्रचलित परंपरा थी, यथार्थवादी परंपरा कि प्लास्टर कास्ट और मार्बल बस्ट निर्माण की जो अकादमिक पद्धति थी उससे वो दूर होते गए। वास्तुशिल्पियन कास्ट नक्काशी, जिसका सामना उन्हें राजस्थान की यात्रा के दौरान हुआ था, इससे प्रेरित होकर के 1940 के बाद से धनराज भगत ने लकड़ी माध्यम में शिल्प रचना करना शुरू किया था। मानव शरीर रचना विज्ञान को इसके स्रोत के रूप में लेते हुए भगत की प्रारंभिक लकड़ी की मूर्तियों में अत्यधिक चिकनी व चमकदार पॉलिश के साथ साथ एक उल्लेखनीय गीतात्मकता का गुण दिखता है। हालांकि यह मूर्ति, जिसका अंग्रेजी में रीयूनियन नाम है, इसमें अत्यधिक पॉलिश की गई सतहें जो है जल्द ही बनावट वाली सतहें टेक्सचर वाली हो गई, और इसमें भी टेक्सचर बहुत है, मृतिकार की छेनी के निशान है। 1947 में बनी यह लकड़ी की मूर्ति है रीयूनियन, जिसे हिंदी में पुनर्मिलन कहते हैं। इस शिल्प में छेनी के निशान जो है लगभग बाहर की सतह पर खुले घाव जैसे खुरदुरे बने हुए हैं, और एक ही लकड़ी सतह पर यह शिल्प बनी है जिसमें एक पुरुष की आकृति एक स्त्री से गले मिलते हुए दिखाया गया है। और यह रीयूनियन या पुनर्मिलन आप उस दौर की सामाजिक घटना के संदर्भ में देख सकते हैं जब ट्रांजिशन पीरियड, भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ और बहुत सारे लोग बिछड़ गए अपने परिवार से इधर उधर, तो वैसे में कोई अपना मिलता है तो वो मिल करके कैसे गले मिल रहे हैं, ये उस तरह का भाव इस शिल्प में संयोजित है। धनराज भगत जी को कोटि कोटि प्रणाम इस महान शिल्प के लिए, और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।